मेरी जो YouTube की जर्नी थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। 3 साल होने आए हैं लेकिन स्टिल इसकी आप क्वांटिटी देखो, बस इतना सा ही यूज हुआ है। विर्का की बॉटल्स दिख रही है लाइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी प्यारी रिंग लाइट जो कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये वाला एरिया बनाया था। हेलो एवरीबॉडी, तो आज के वीडियो में आई विल बी शोइंग यू माय होस्टल रूम जो कि मुझे अलॉट हुआ था व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर। लेट्स स्टार्ट द रूम टूर। सो दिस इज माय रूम RW305। अंदर चलते हैं। जैसे ही हम रूम के अंदर आते हैं तो हमारे पास दो एरियाज आते हैं क्योंकि ये डबल ऑक्यूपेंसी है। तो दिस इज़ माय रूममेट का एरिया और ये मेरी रूममेट का एरिया है। इस एंड ये वाला उसका कॉर्नर है, ये बेड स्टडी टेबल। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे मुझे फ्रूट्स पड़ते हैं, ये यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये एक छोटू सा मिरर है जो कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। एक चीज़ जो इस रूम में नहीं है जो कि मिसिंग है, मुझे पर्सनली लगती है, वो है मिरर। एक कॉमन मिरर है और वॉशरूम्स में जो मिरर होते हैं उसी से हमें काम चलाना पड़ता है। ये इसने अपनी वाली साइड लगाया है। तो जैसे हम सो बेसिकली ये हमारा एंट्रेंस का एरिया है और यहाँ पर हमें ये लाइट्स बंद होगी और ये लाइट्स ऑन होगी। और ये वाला जो है ये बेसिकली नीचे एक स्विच होता है जो कि हम ऑन तब करते हैं जब हम सो रहे होते हैं, तो तब ये ऑन हो जाता है। और यहाँ पे फ़ैन है और ये फ़ैन ऑन नहीं हो सकते। अगर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया तो मेरी आवाज़ आप सभी तक नहीं पहुँचेगी, अगर पहुँचेगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी वो। वाईफाई राउटर जो है हर एक रूम में सेपरेट लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे फैंस वगैरह हैं और ये हमें जो है दो अलमीरा हमें प्रोवाइड की गई है जिसके आप देख सकते हो। अगली जो अलमीरा है वो मेरी रूममेट की है, दूसरी वाली जो अलमीरा है वो मेरी है। और ये वाला जो टेबल है वो ये एक्स्ट्रा है, बेसिकली इस रूम में ऑलरेडी था, ये एक्स्ट्रा टेबल है। एंड दिस इज़ द बेड। और ये वाला जो बेड है वो गोदरेज का है। एक्चुअली सभी चीज़ें जो है ना गोदरेज की ही हैं। मेट्रेस जो है वो मेरा खुद का है, पिल्लोज बेडशीट्स एंड ऑल सब कुछ अपना ही है। और ये वाला जो एरिया है दिस इज़ वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट। यहाँ पे हमें लेन भी मिल जाता है और यहाँ पे तीन ऐसे मिल जाते हैं। इट वॉज़ बैक इन 2020 व्हेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने फिजिक्स वाला सर के जो वीडियोज़ हैं वो देखना स्टार्ट किए थे फ्रॉम यूट्यूब। फिजिक्स वाला प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी एजुकेशन एट लोएस्ट प्राइस, एंड दिस टाइम फिजिक्स वाला मना रहे हैं 4 ईयर एनिवर्सरी में कि जितने भी उनके बैचेज हैं उनके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री बैचेज भी दे रहे हैं। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर JEE 2025 आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम फिजिक्स वाला। अगर आप बाय करते अर्जुना JEE 2025 तो अर्जुना JEE 1.0 2024 एंड अर्जुना JEE 1.0 2025 आपको फ्री एक्सेस मिलता है इन दोनों बैचेज पे। इन सभी बैचेज में आपको इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स है वो पढ़ाएंगे, उसके साथ आपको PDF नोट्स भी मिलते हैं लेक्चर्स के साथ ही। वाला के स्टोर पे जो है JEE बुक्स भी आपको मिल जाती हैं जिनमें काफी सारे हैवी डिस्काउंट अभी चल रहे हैं। यू कैन यूज माय कोड Aditi150 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन दीज बैचेस। सभी बैचेस के लिंक और EW स्टोर का जो लिंक है आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। पर गोदरेज की अपना लगेज वगैरह रख दिए और जो मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है मैं कुछ ज्यादा सामान मुझे से लगता है मैं ले लेती हूँ, तो वो भी मैंने अपनी रूममेट की एरिया पे रखा हुआ है। मेरा स्टडी टेबल है और यहाँ पे मैं वीडियो शूट करती हूँ। ये जो है मेरा स्टडी स्पेस है जहाँ पे मैंने अपना मॉनिटर रखा हुआ है और ये कीबोर्ड है, ये भी मैंने रिसेंटली परचेज किया था। दिस इज द माउस और यहाँ पे लैपटॉप स्टैंड रखा है सो दैट यू नो आई लेवल पे काम करना होता है तो स्ट्रेस ना पड़े आईज पे और बैक पे, तो इसीलिए आई प्रेफर। और ये जो है इससे कनेक्टेड है, HDMI जो है इससे कनेक्टेड है मॉनिटर पे, तो ये स्क्रीन मिरर हो जाती है, तो एडिटिंग के टाइम पे मुझे काफ़ी काम आता है। और आप देख सकते हो कि मैंने डस्टबिन भी एक रखा हुआ है जिसमें कि हम कचरा वगैरह डाल देते हैं। रूम स्टडी टेबल है ना उसके साथ एक ड्रॉअर अभी आता है जो कि काफ़ी चीज़ें मैंने और अगर मैं इसको बंद करूँ तो यहाँ पर है क्यूट से ये और कैलेंडर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि याद ही नहीं होती कौन सी डेट है। और ये जो है ना एरिया, अब ये आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, नहीं देखा तो आप देखना ज़रूर। ये बेसिकली हमारे यहाँ पे जो
विंडोज है ना वो थोड़ी सी जापानी स्टाइल में खुलती है, तो अगर आप देखोगे तो अभी तो मैंने जो है ये वाली विंडो खोल रखी है एंड यहाँ से लुक एट द व्यू, और मेरे बालकनी से बहुत अच्छा व्यू आता है। मैं थोड़ा बंद कर देती हूँ, मच्छर आ जाएंगे। जो एरिया है दिस इज फॉर दी कॉन्टेंट क्रिएशन थिंग, वीडियोज सब कुछ यहीं पे बनाती हूँ मैं। यहाँ पे क्यूट से मेजरिंग लाइट और ये ट्राइपॉड स्टैंड और दिस इज अ बोर्ड, बेसिकली वाइट बोर्ड है, बट इसको मुझे हैंग करने के लिए जगह नहीं मिली थी तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाई इसका। और ये मेरा स्टडी टेबल और मेरा एक्स्ट्रा बैग है। अब ये वाला जो टेबल है ना, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो इस टेबल पे जाती है, मतलब अगर बेड में कुछ एक्स्ट्रा है तो इस टेबल में जाएगा, स्टडी टेबल में जो मेन स्टडी टेबल है उसमें कुछ एक्स्ट्रा है तो वो यहाँ पे जाएगा। इसका पर्पज़ सिर्फ एक ही है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे रूम में ना ये इधर जाती हैं। मैंगोज ये लॉक जो कि बना गया है ताकि हम लॉक करें रूम, बट बहुत रेयर होता है कि हम लोग लॉक करके जाते हैं। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं और थोड़ी सी किताबें रखी हुई हैं। वैसे जितना भी काम होता है वो यूजुअली लैपटॉप पे ही रहता है, तो बहुत कम ऐसी बुक्स वगैरह रहती हैं। और यहाँ पे मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है जो कि सभी कोऑपरेट करता है सो दैट मॉनिटर मेरा बेचारा चल सके, क्योंकि इसकी जो केबल है वो इतनी लंबी नहीं है कि यहाँ तक डायरेक्टली आए, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड लगाया हुआ है। ये बेड के नीचे जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा एरिया मिल जाता है जिसमें कि हम सामान रख सकते हैं। और ये मेरा वाला एरिया कम्प्लीटली फुल है, मेरे जितने शूज़ हैं वो अंदर हैं, थोड़े से बैग हैं और जो बकेट्स वगैरह हैं वो सभी इधर ही रखी हुई है मैंने। एंड ऑल्सो कुछ स्पेस हमें जो गोदरेज उसके नीचे मिल जाता है, तो मैंने थोड़ी सी स्लीपर्स जितनी है मेरे पास वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वाला एरिया बनाया था क्योंकि दिस इज द ओनली एरिया जहाँ पे मैं शूट कर पाती हूँ जो भी मैं वीडियोस, अगर आप देखते हो मेरी, अगर नहीं करते तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, दिस इज माय आईडी। ओके, अच्छी पर चीज़ मुझे लगता है मैंने की, क्योंकि इसकी वजह से मेरी जो रूम का ये वाला कॉर्नर है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। और ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। एक मैंने अमेजोन से मंगवाया है, ये मैंने मीशो से ऑर्डर करवाया और ये तो मैंने बताया आपको हिमाचल से है। काफी बार मेरे रूम में ना कीड़े आ जाते हैं और ये समझते हैं कि ये असली है बट ये उनको नहीं पता ये नकली होते हैं। सो ये जो एरिया है ना ये काफी ज्यादा प्यारा लगता है मुझे क्योंकि दिस इज द प्लेस जो कि पहले तो बहुत ज्यादा कम्फी है, यहाँ पे सोना होता है कहीं। और अच्छी चीज ये है कि ये वाला जो मैंने बेड है ना को मैंने इस वे से लगाया था कि बैक सपोर्ट में मुझे वॉल रहे, तो एक अच्छी चीज वो है। और ये मेरा क्यूट सा यहाँ पे कुशन भी है, फुट बिल्कुल तो बैक पेन वगैरह नहीं होता है। एंड मैंने अपने जो, और ये वाला जो कॉर्नर है ना ये बहुत सुंदर लगता है, वंस आई विल शो यू गाइस कि अगर मैं लाइट्स ऑन करूँ तो ये बहुत ही एस्थेटिक व्यू देता है, तो व्यू है वो कैसे चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में अगर मैं लाइट ऑन करती हूँ। रूम का जो वाइब है वो अलग हो जाती है जब मैं लाइट्स ऑन रखती हूँ। मैंने एक न्यू जर्नी यहाँ से स्टार्ट की थी तो वो यादें हमेशा इस रूम से कनेक्टेड होगी। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, टॉपिक आप चाहते हो मैं बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन बाय बाय।